अपनी क्षेत्र का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विरोधी नैतिक सुधार वापस करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी क्षेत्र का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयड एसोसिएशन के बैनर तले 15 और 16 मार्च को दो दिवसीय बैंक हड़ताल कर रही है। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद दो दिनों का बैंक हड़ताल किया गया। बैंक कर्मियों के हड़ताल से एटीएम वर्किंग पर भी असर पड़ेगा। हालांकि बैंक प्रबंधन का यह दावा है कि एटीएम में कैश पर्याप्त व्यवस्था होगी, जिससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं इधर हजारीबाग में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत कर्मचारी गोलबंद हो गए और हजारीबाग एसबीआई मुख्य शाखा के पास सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए और विरोध में जमकर नारेबाजी की। वही बैंक मैनेजर ने बताया कि यदि बैंकों का निजीकरण हो जाता है तो इसमें हमारी ही हानि नहीं बल्कि पूरे जनता की हानि है। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को हम जीतने नहीं देंगे, सरकार को हराने के लिए हमने दो दिनों का हड़ताल रखा है। सरकार को हमारी बात मान नहीं होगी, अगर सरकार निजीकरण को वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। ये यूनाइटेड फॉर्म के तहत ये स्ट्राइक बुलाया गया है और इसमें सारे बैंक के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग स्ट्राइक में हैं और ये स्ट्राइक इसलिए है कि बैंकों को निजीकरण किया जा रहा है और बैंक निजीकरण होने से हमारी ही हानि नहीं पूरे जनता की हानि है। ये बैंक अगर निजीकरण हो गई तो ये सरकार की जीत होगी, लेकिन इस जीत को हम लोग हार में बदलने के लिए आज दो दिन का हड़ताल रखे हैं 15 और 16 को, जिससे सरकार को हमको ये बताना है कि ये आपकी नीति नहीं ये बैंकों की नीति होगी, जो हर हाल में बैंक के कर्मचारी अगर 10 लाख रोड पर उतर गए तो समझिए कि सरकार का क्या होगा। अगर ये सरकार अपना वित्त मंत्रालय ये निजीकरण की बातें वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा और हो सकता है कि इंडिफिनिट हड़ताल की ओर हम लोग जाएंगे। बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट बैंक है उसका निजीकरण की बात आ रही थी, इसी का विरोध किया जा रहा है। लगातार पहले भी इसको लेकर आंदोलन हुआ है पर हमेशा बीच की बैठक होने के बाद आश्वासन देकर स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया जाता था, पर इस बार बैंक प्रबंधन का रुख और कड़ा है और जिसके चलते कर्मचारी यूनियन भी अपना रुख कड़ा किए हुए हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार को बैंक की छुट्टी भी थी। अतः देखा जा रहा है कि लगातार 4 दिन की बैंक के बंदी के बाद लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। महीने के अंत में होली का त्योहार भी है और लोगों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी होगी और व्यापारी वर्ग को भी काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब देखना यह होगा कि बैंक कर्मचारियों के हड़ताल से सरकार पर क्या असर पड़ेगा और बैंकों के निजीकरण पर सरकार क्या फैसला लेगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।